मैं हूं आपका होस्ट अहमद हसीब। मैं मौजूद हूं इस वक्त मुजफ्फराबाद के नड़ोल क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला इस वक्त अरूज पर है। हमने कल भी आपकी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से मुलाकात कराई थी। जो जो ये लीग ऊपर जा रही है, यहां पर मुख्तलिफ एम्बेसडर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ इस लीग को प्रमोट करने लोग आ रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर की वो वाहिद वुमेन जिन्होंने पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की है, मेरी मुराद नतालिया परवेज़ से है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नतालिया, क्रिकेट पर तो बात करेंगे, सबसे पहले ये बताइएगा कि पीर चनासी की पहाड़ियों के अमन में इतना खूबसूरत मैदान है, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है और बहुत खूबसूरत ग्राउंड है और बहुत अच्छा मंजर दिखने को मिल रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ कश्मीर में रह के भी, मगर मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बैक टू क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में बताइएगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग, जो कि आप भी कश्मीर से हैं और बड़ी बात होती है कश्मीर के कोई वुमेन ऊपर जाए, लेकिन कैसे देखती है कि कश्मीर प्रीमियर लीग एक लोकल टैलेंट है, जो यहाँ का जो टैलेंट मुजाफात में होता था, पहाड़ियों में छुपा होता था, उसके लिए कितना बड़ा फोरम है ख़ुद को मनवाने के लिए? जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यंगस्टर को, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि वो अपना टैलेंट शो करवा सकते हैं और इस लीग के ज़रिए, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई इवेंट नहीं होता था और कश्मीरी टैलेंट छुपा रह जाता था, और अब तो माशाल्लाह ये लीग होनी शुरू हो गया और अपना वो टैलेंट शो करवा सकते हैं। कश्मीर की आप वाहिद वुमेन है, मैं शुरू पर मेंशन भी कर चुका हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की जो है ना नुमाइंदगी की है, वुमेंस को क्या पैगाम देना चाह रही हैं, स्पेशली जो उन वुमेंस को जो बैकवर्ड एरियाज की हैं? मैं वुमेंस को ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि अगर वो क्रिकेट खेलना चाह रही हैं तो ये बहुत सेफ और हेल्थी एक्टिविटी है, इसमें कुछ इस तरह का कुछ गलत चीज़ नहीं है और ये आपको खेलनी चाहिए अगर आपका शौक है। और सबसे पहले कि ये तभी खेल सकती हैं जब इधर क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और वुमेन क्रिकेट पे भी नज़र दुराई जाए। नताली, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ है आप लंगबा खेलें पाकिस्तान के लिए और खूब नाम कमाएं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थी नतालिया परवेज़, हमने इनसे बात की, इनका यही कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग का जो इनका है वो इंतहाई खुशाइंद है, क्योंकि यहाँ से लोकल टैलेंट को मौका मिलेगा कि वो उभर कर सामने आए।